तो एड कॉपी लिखने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट हेडलाइन में हमने अपने कीवर्ड को लाजमी मेंशन करना है। लेदर बैट, अब हमारे पास 19 करेक्टर्स की, स्टिल 18 करेक्टर्स की लिमिट है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर से। हमेशा अपनी हेडलाइन वन के अंदर कोई ना कोई प्रमोशन ऑफर आप शो करें। ओके, तो मैं चूज़ करूँगा अप टू 75% ऑफ। हेडलाइन टू में मैं लिखूँगा यूकेज नंबर वन ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर। पाथ के अंदर अपना कीवर्ड लेदर स्लैश बेट। सेकंड बॉक्स में को भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सिर्फ आप अपना कीवर्ड, अगर आपका फर्स्ट बॉक्स में ही कंप्लीट हो रहा है तो आप इसको इस तरह छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास 80 करेक्टर्स की लिमिट है। डिस्क्रिप्शन तक लिखने के लिए मैं फिर अपने बुलेट पॉइंट्स की तरफ जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं चूज़ करूंगा अप टू 75% ऑफ। मैंने हेडलाइन में शो किया हुआ है तो मैं लिमिटेड टाइम ऑफ़र स्टार्ट कर सकता हूं, और उसके बाद मैं लिख सकता हूं गेट द मोस्ट रिलायबल एंड स्टाइलिश येट चीप लेदर पैड्स। कॉल टू एक्शन आपने कोई ना कोई लाजमी यूज़ करना है। ऑर्डर नाउ, 7 करेक्टर्स एक्सीड हो गए हैं। मैं शॉप नाउ ट्राई करता हूँ, अभी भी 6 करेक्टर्स एक्सीड हैं, तो मैंने इसको कम करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कैसे किन करेक्टर्स को मैं एडजस्ट करूँ। गेट द मोस्ट रिलायबल एंड स्टाइलिश लेदर बैट्स येट चीप लेदर। येट चीप को मैं निकाल दूंगा। ओके, तो अब मेरे पास करेक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर गेट द मोस्ट रिलायबल एंड स्टाइलिश लेदर बैट्स शॉप नाउ। तो मेरी फर्स्ट एड कॉपी कंप्लीट हो गई है। हमेशा अपने एड ग्रुप के अंदर हमने दो एड कॉपीज यूज़ करनी है, एक एड कॉपी नहीं यूज़ करनी। दो एड कॉपी से क्या होगा कि हम स्प्लिट टेस्टिंग करेंगे, इधर हमारे पास रिजल्ट्स नज़र आएंगे हमें, क्लिक्स इंप्रेशन सी टी आर कन्वर्जन, यानी कि जिधर हमारे फिर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे हम उस एड कॉपी को चलता रहने देंगे, दूसरी एड कॉपी को हम पास कर देंगे। तो एक और न्यू एड कॉपी लिखने के लिए प्लस टेक्स्ट ऐड पर क्लिक करेंगे। ओके, तो इस टाइम अगेन मैं बुलेट पॉइंट्स की तरफ जाऊंगा। लेदर बैट को मैं इसी तरह लिखा रहने दूंगा। अप टू 75% ऑफ को मैंने चेंज करना है, तो मैं इसके अंदर से देखूंगा कि मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं यूज़ करूंगा स्पेशल आइटम सेल। स्पेशल आइटम सेल के अंदर मेरा एक करेक्टर लिमिट एक्सीड कर गई है, तो मैं देखूंगा कि मैं किधर इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, कौन सा ऐसा लेटर है जो मैं काम कर सकता हूँ। लेदर बैट स्पेशल आइटम सेल, स्पेशल को मैं SPEC कर दूँ, तो अब ये इतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा, और मैं ये रिकमेंड भी नहीं करूँगा, और ना ही मैं इसको इस तरह एडजस्ट करूँगा। तो स्पेशल आइटम सेल की जगह मुझे कुछ अल्टरनेटिव देखना होगा कि मैं इसकी जगह क्या लिखूं। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा बिग सेल इज ऑन। तो ये लाजमी नहीं है कि आपने जो भी वेबसाइट के अंदर से कंटेंट लिया है एग्जैक्ट वो ही होना चाहिए। अगर किसी जगह पे आपको रिप्लेस करना पड़ रहा है, कोई अच्छी लाइन मिल रही है, या आपको वेबसाइट के अंदर से कंटेंट नहीं मिल रहा, तो आप कंपेटिटर्स की एड कॉपीज गूगल के ऊपर कीवर्ड लिख के देख सकते हैं। आप कंपेटिटर्स की वेबसाइट पे जाके कंटेंट देख सकते हैं जो हम यूज़ कर सकते हो। तो इस केस में हम बिग सेल इज़ ऑन ये लाइन यूज़ कर लेंगे। हेडलाइन टू को मैं अब रिमूव करूँगा। हेडलाइन टू में मैं लिखूँगा फर्स्ट हेडलाइन में मेरा आ रहा है बिग सेल इज ऑन, सेकंड हेडलाइन में मैं लिख दूंगा लिमिटेड टाइम ऑफर। अब लिमिटेड टाइम ऑफर को मैं डिस्क्रिप्शन से रिमूव कर दूंगा। कोई भी चीज़ आपने रिपीट नहीं करनी, जो चीज़ आपने हेडलाइन वन में लिख दी है वो हेडलाइन टू में भी नहीं आनी चाहिए, और वो डिस्क्रिप्शन में भी नहीं आनी चाहिए। तो अब डिस्क्रिप्शन को मैंने चेंज करना है। डिस्क्रिप्शन को मैं इधर से ये रिमूव करूँगा पहले,
लास्ट एड कॉपी में हमने यूकेज नंबर वन ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर हेडलाइन में यूज़ किया था, इस एड कॉपी में मैं इसको डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर दूंगा, साथ में यूज़ कर दूंगा 30 डे मनी बैक गारंटी। अब 30 डे यूकेज नंबर वन ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर 30 डे मनी बैक गारंटी, डिस्क्रिप्शन में चीज़ को ज़रा एक्सप्लेन करना चाहिए। 30 डे मनी बैक गारंटी से पहले मैं लिख दूंगा बाय नाउ विद 30 डे मनी बैक गारंटी। ये मेरी अब सेकंड एड कॉपी कंप्लीट हो गई है। अब मैं स्प्लिट टेस्ट करूंगा, या जब अपनी कैंपेन को चलाऊंगा तो मैं देखूंगा कि मेरे फर्स्ट एड कॉपी और सेकंड एड कॉपी में कौन सी अच्छी परफॉर्म करेगी। तो जो अच्छे परफॉर्म करेगी मैं उसको चलता रहने दूंगा, और फिर मैं एक न्यू एड कॉपी लिख दूंगा जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही होगी उसकी जगह। इस एड कॉपी को मैं सेव करूंगा। हमारी तो दो एड कॉपीज़ कंप्लीट हो गई हैं।